Okay, so now we are going to start chapter number 4. It includes the assessments of hearing and different types of tests. So first of all, we need to know what are the three types of hearings. One loss is known as conductive hearing loss, the second is sensory neural, and the third is mixed hearing loss. Okay, so conductive hearing loss mein kya hota hai? Kya aapki jo sound conduction hai, it does not go from the external ear to the spatiovestibular joint. Theek hai, iska matlab ye hai ki koi na koi cause jo aapke खराबी है या तो वो एक्सटर्नल ईयर में किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में है कि परफोरेशन हुई हुई है, सही तरह वाइब्रेशन जा नहीं रही या मिडल ईयर के अंदर है कि कोई फ्लूइड भरा हुआ है या ऑसिकल्स के अंदर है कि उसकी या वो टूट गई हैं या उनकी फिक्सेशन हुई है वहाँ पर, वो बहुत ज़ोर से जुड़ी हुई हैं, उनकी वाइब्रेट नहीं करी, या यूस्टेशियन ट्यूब के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, एडिनॉइड्स वगैरह हुए हैं, तो इसलिए. दूसरी चीज़ आती है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस. ठीक है, या तो ये सेंसरी होएगा, दैट वुड बी ड्यू टू लेजन्स इन द कॉकलिया, या फिर ये न्यूरल होएगा कोई नर्व कनेक्शंस की वजह से, जो कि सेंट्रल भी हो सकती हैं और एट्थ नर्व के अंदर भी हो सकती हैं. अब दो तरह की इसमें टाइप्स आती हैं, एक होती है कॉकलियर, ठीक है, लीजन्स, कॉकलियर लीजन्स ऑब्वियसली कॉकलिया के अंदर होंगी, और एक होती है रीट्रो कॉकलियर. रीट्रो कॉकलियर उन्हें कहते हैं जो कि एट्थ नर्व के अंदर होंगी, और कुछ होते हैं सेंट्रल डेफनेस. ठीक है, सेंट्रल डेफनेस ऑब्वियसली सेंट्रल ऑडिटरी कनेक्शंस के अंदर होंगी. फिर आते हैं हमारे पास मिक्स्ड हेयरिंग लॉस. मिक्स्ड हेयरिंग लॉस में दोनों के एलिमेंट्स होते हैं, एक तो उधर एयरबोन गैप होएगा, एयरबोन गैप हमारे पास ऑडियोमीट्री में आता होता है और वो इंडिकेट करता है कि कंडक्टिव एलिमेंट जो है वो ख़राब है. दूसरी चीज़ आता है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, वो कैसे होएगा कि हमारे पास बोन कंडक्शन इम्पेयर्ड होएगी. ज़्यादातर मिक्स जो होते हैं वो ऑटोसिक्लेरोसिस में होते हैं और क्रॉनिक सुपरेटेड ओटाइटिस मीडिया. नाउ वी हम आगे जैसे जैसे चलेंगे तो हम बताते चलेंगे कि कौन सी डिजीज़ क्या कैसे कैसे प्रेजेंट करती हैं. अच्छा, अब हमने जब भी ऑडिटरी फंक्शन देखना होता है किसी ईयर का, तो हमने ये देख चार चीज़ें उसकी असेस करनी होती हैं. एक तो हमने टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस देखना होता है, कंडक्टिव है, सेंसरी न्यूरल है या मिक्सड है. दूसरी चीज़ हमने देखनी होती है कि कितना हेयरिंग लॉस है, तो डिग्री पता होनी चाहिए, माइल्ड, मॉडरेट, प्रोफाउंड, स्वेयर, इस तरह करके. ये भी हमें ऑडियोमीट्री से पता चल जाता है, तो आगे हम सब देखेंगे. उसके बाद आता है साइट ऑफ लीजन. साइट ऑफ लीजन देखनी होती है कि हमारे पास एक्सटर्नल ईयर में है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में है, मिडल ईयर में है, ऑसिकल्स में है, यूस्टेशियन ट्यूब में है. ये सारा कुछ हमें पता चलता है, एक तो हिस्ट्री ले लें, ठीक है. दूसरी चीज़ हमें पता चलता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन से और टिम्पैनोमीट्री से. टिम्पैनोमीट्री जो होती है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एक टेस्ट होता है. अच्छा, और अगर हमने सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हुआ हुआ है तो हमने देखना होता है कि कॉकलियर है लीजन, रीट्रो कॉकलियर है या सेंट्रल है. फिर हमने देखनी होती है कि कॉज ऑफ हेयरिंग लॉस क्या है. कंजेनिटल भी हो सकता है, ट्रॉमेटिक, इन्फेक्शियस, डिजेनरेटिव, मेटाबॉलिक, ऑटोइम्यून, वैस्कुलर, ऑटोटॉक्सिक, सारा कुछ हो सकता है. और ये भी हमें पता चलता है हिस्ट्री से और इन्वेस्टिगेशन से. तो हम सबसे पहले टेस्ट देखना शुरू करते हैं. क्लिनिकल टेस्ट जो होते हैं हेयरिंग के, वो हमारे पास चार हैं, ठीक है. तीन तो अब एज सच इतने यूज़ नहीं होते, ठीक है, लेकिन जो फोर्स वाला है, ट्यूनिंग फोर्स टेस्ट, इस इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है. इधर हम देखते हैं कि फिंगर फ्रिक्शन टेस्ट में क्या होता है कि ये बहुत रफ मेथड होता है कि आपने ऐसे उसके कान के पास जाके रबिंग या स्नैपिंग ऑफ द थंब एंड फिंगर क्लोज टू द पेशेंट, ये करना होता है, ठीक है. दूसरा है क्लिकिंग वॉच, ठीक है. अब आजकल हमारे पास वॉचेस तो क्लिकिंग वॉचेस तो नहीं होती, लेकिन इसमें क्या होता था कि ये ना कान के पास लेके जाना होता था और देखना होता था कि कितने डिस्टेंस पे आवाज़ आ रही है, बट इट्स ऑब्सोलीट नाउ. फिर है हमारे पास स्पीच टेस्ट. स्पीच टेस्ट में क्या होता है कि जो नॉर्मल वॉइस है वो तकरीबन 12 मीटर तक आराम से आ सकती है, और जो विस्पर है वो हमारे पास 6 मीटर तक आती है, लेकिन हम इस टेस्ट के पर्पज़ के लिए 6 मीटर ही लेते हैं. वहाँ पे एक क्वाइट रूम लेते हैं जो नॉन टेस्ट ईयर होता है उसे ब्लॉक कर देता है ट्रेगर्स को प्रेस करके, और जो टेस्टिंग ईयर होता है वो एग्जामिनर की तरफ होता है. एग्जामिनर फिर चलता आता है और पहले वो लव्स बोलना शुरू होता है 6 मीटर के डिस्टेंस से, आगे बढ़ते बढ़ते, और देखते हैं कि कहाँ पर आवाज़ आती है, और इसी तरह विस्परिंग की भी सीन होता है, ठीक है. लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि एक तो हमारे पास वॉइस की इंटेंसिटी और पिच हर बंदे के लिहाज से डिफरेंस होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड नहीं होती. दूसरा कि टेस्टिंग प्लेस में नॉइज़ अगर हो जाए तो वो सारा सीन ख़राब हो जाता है. अच्छा, फोर्थ है हमारे पास ट्यूनिंग फोर्स टेस्ट. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट. हमें पता होना चाहिए कि बहुत सारे ट्यूनिंग फोर्स होते हैं, उन सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जैसे कि 128 हो गया, 256 हो गया, 312 हो गया. ये ऐसा हमें सारी याद नहीं करनी, इनमें से कुछ याद करनी है वो हम आगे देखेंगे कौन सी.
सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें याद रखनी है वो है 512 हर्ट्ज़। ये मोस्टली क्लिनिकल एग्जामिनेशंस में यूज़ हो रही होती है। लोअर फ्रीक्वेंसीज वाली जो होती हैं वो हमारे पास बोन वाइब्रेशन को देखती हैं, जो हायर फ्रीक्वेंसीज वाली होती हैं वो ऐसा यूज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनका शॉर्टर डीके टाइम होता है और वो जल्दी विदर आउट हो जाती हैं। ठीक है, अब ट्यूनिंग फोर्क को पकड़ना है, स्ट्राइक करना है उससे किसी हार्ड सर्फेस से, इतनी भी हार्ड सर्फेस से नहीं है, या रबर पैड ले लें, या फिर अगर आपके पास रबर पैड नहीं है तो हील ऑफ हैंड यहाँ पे कर लें, या फिर हमारे पास एल्बो होती है एल्बो के ऊपर मार लें। ठीक है, हमने इसे एयर कंडक्शन चेक करनी है और बोन कंडक्शन चेक करनी है। जो एयर कंडक्शन है उसके लिए आपने वर्टिकली इन लाइन 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मीटर्स इस तरह रखना है। ठीक है, इस तरह रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगी एयर कंडक्शन चेक। आपने देखना है कि अगर आवाज़ उसे आ रही होगी तो इसका मतलब ये है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से इनर ईयर तक आवाज़ आराम से जा रही है। ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह कोई मसला नहीं है। नॉर्मली जो होता है वो एयर कंडक्शन लाउडर होती है बोन कंडक्शन से और लंबी होती है। ठीक है, लॉन्गर एंड लाउडर। जब बोन कंडक्शन हमने चेक करनी है तो फुट प्लेट जो होती है उसे हमने स्ट्राइक करके मैस्टॉइड बोन पे रखना है। मैस्टॉइड बोन पे रखने की वजह से क्या होगा, कॉकलियर खुद ही स्टिमुलेट हो जाएगा डायरेक्टली। ये देखें तो जो बोन कंडक्शन है वो हमारे पास सिर्फ कॉकलियर को चेक करती है, और ये जो है ये वेबर टेस्ट है, ये हम आगे देखेंगे। आगे हम देखते हैं रीनीज़ टेस्ट। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या, इसका मेन प्रिंसिपल क्या है कि एयर कंडक्शन जो होती है इट इज़ बेटर देन एंड लॉन्गर देन बोन कंडक्शन। ठीक है, अच्छा, इसमें पेशेंट के मैस्टर के ऊपर ट्यूनिंग फोर्स स्ट्राइक करके डालते हैं, और जब उसे आवाज़ आना बंद हो जाती है तो उसके बाद उसके इस तरह पहले इधर रखते हैं, उसके बाद उसके इधर रखते हैं। ठीक है, तो उसे आवाज़ आना बंद हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि एयर कंडक्शन इज़ मोर देन बोन कंडक्शन। अब ये पॉजिटिव कब होएगा, जब ये इसी तरह होगा जो प्रिंसिपल हमने कहा है। ये नॉर्मल लोगों में भी पॉजिटिव होता है और सेंसरी न्यूरल डेफनेस वाले लोगों में भी पॉजिटिव होएगा। ठीक है, और अगर रीनीज नेगेटिव आ रहा है कि बोन कंडक्शन ज़्यादा है और उसे आवाज़ आना अगर उधर बंद हो जाती है तो एयर कंडक्शन भी नहीं उसकी आ रही होती, तो ये आता है कंडक्टिव डेफनेस के ज़िम्मे में। ठीक है, उसके बाद आता है नेगेटिव रीनी जो होता है, इसका मतलब क्या होता है कि देर इज़ अ मिनिमम एयर बोन गैप ऑफ 15 to 20 डेसिबल्स। अब एयर बोन गैप क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। अच्छा, हम एयर बोन गैप इन 3 किस्म के ट्यूनिंग फोक से निकाल सकते हैं, ये वाला है। ठीक है, 256, 512 और 1024 हर्ट्ज़ वाले, और ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये देखना है आपने कि जो फॉल्स रीनीज नेगेटिव है वो किस में, तो वो स्वेयर यूनिलैटरल सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में आता है। जो बंदा होता है वो परसीव नहीं कर सकता ट्यूनिंग फोक की साउंड को एयर कंडक्शन से, लेकिन वो बोन कंडक्शन की टेस्टिंग को आराम से परसीव और रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। दिस रिस्पॉन्स टू द बोन कंडक्शन इज़ इन रियालिटी फ्रॉम द अपोजिट ईयर, क्योंकि वहाँ से आवाज़ चलती चलती ट्रांसक्रेनियली दूसरी साइड पर जा रही होती है। ठीक है, और इन सच केसेस अगर आपने करेक्ट डायग्नोसिस करना होता है तो आपने दूसरे नॉन टेस्टिंग ईयर को ब्रानीज नॉइज बॉक्स के साथ मास्क करना होता है। एक नॉइज़ बॉक्स होता है वो आपने कान के पास रखना है, तो वहाँ पे नॉइज़ आ रही होती है तो ये मास्क हो जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है हमारे पास वेबर्स टेस्ट। वेबर्स टेस्ट में क्या होता है कि हमने ट्यूनिंग फोक को मिडल ऑफ फोरहेड पे रखना है या वर्टेक्स पे रखना है, और फिर पेशेंट से पूछते हैं कि किस साइड पे साउंड ज़्यादा आ रही है। ठीक है, नॉर्मल लोगों में क्या आएगा, इक्वल आएगी, लेकिन अगर इट इज़ लैटरलाइज टू द वर्स्ट ईयर इन कंडक्टिव, यानी अगर किसी बंदे के अंदर इम्पैक्टेड वैक्स है फॉर एग्जांपल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, तो उसके जो ख़राब वाला कान है उसके अंदर ज़्यादा आवाज़ आएगी। ठीक है, और अगर उसकी सेंसरी न्यूरल डेफनेस है कि उसकी कोई नर्व ख़राब है, तो उसके जो सही वाला कान है उसके अंदर आवाज़ आएगी। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दिस एंड दिस टेबल इज़ वेरी गुड फॉर रिमेंबरिंग। ठीक है, अच्छा, इसमें अब क्या लिखा हुआ है कि बस इसमें इतना ही काफ़ी। अच्छा, तो हम अगले टेस्ट करते हैं। इसमें सबसे अगला टेस्ट है हमारे पास एब्सोल्यूट कंडक्शन टेस्ट या फिर ABC टेस्ट। ठीक है, इसमें हम बोन कंडक्शन को चेक करते हैं जो कि कॉकलिया का फंक्शन होता है। बोन कंडक्शन को हम कंपेयर करते हैं पेशेंट और एग्जामिनर के अंदर, और इसमें एक्स्ट्रा ऑडिटरी मेटस को ऑक्लूड करना होता है बाय प्रेसिंग द ट्रेकिस इनवर्ड। ठीक है,
अच्छा अगर कंडक्टिव डेफनेस का पेशेंट है तो फिर हमारे पास क्या होएगा कि हियरिंग जो है दोनों को सेम ही आएगी एक ही टाइम पे, ठीक है। और अगर हमारे पास सेंसरी न्यूरल का है तो पेशेंट को जल्दी आएगी, ठीक है। उसके बाद आता है शॉबैक टेस्ट, इसके अंदर भी सेम बोन कंडक्शन को मैयर किया जाता है लेकिन मिएटस को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो शॉबैक क्या होता है कि रिड्यूस हो जाती है सेंसरी न्यूरल हियरिंग डेफनेस में और लेंथन हो जाती है कंडक्टिव में, उसमें सेम ही रहती थी। उसके बाद आता है बिंच टेस्ट। बिंच टेस्ट में क्या होता है कि ऑक्लूजन ऑफ एयर कैनाल को देखा जाता है। ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करवा के मास्टरॉइड पे जब हम रखते हैं तो फिर एग्जामिनर ऑल्टरनेटिवली क्लोज और ओपन करता है एयर कैनाल को ऐसे 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 दुबा दुबा के, ठीक है। अगर नॉर्मल पर्सन है या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का पर्सन है तो उसे आवाज़ तब ज़्यादा आएगी जब ईयर ऑक्लूड होएगा, लेकिन सॉफ्ट आएगी आवाज़ जब ईयर ओपन होएगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं बिंच पॉजिटिव। अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस का पेशेंट है तो उसे चेंज ही नहीं हो जाएगा क्योंकि उसका पहले ही ईयर कनाल बंद आया हुआ है, ठीक है। इसे कहते हैं बिंच नेगेटिव। उसके बाद आता है गेडीज टेस्ट। गेडीज टेस्ट के लिए सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि ये किया जाता है ऑटोस्क्लेरोसिस के लिए ख़ास तौर पर, ठीक है, जिसमें फिक्सेशन हो जाती है स्टेपीज की फुट प्लेट की। और हमारे पास लेकिन इसे अब रिप्लेस कर दिया गया है टिम्पैनोमेट्री के साथ, ठीक है। इसमें क्या किया जाता था कि इंक्रीज इन एयर प्रेशर ये कनाल में देखी जाती थी। एक होता है सीगल स्पेकुलम, ठीक है, उसकी वजह से प्रेशर को इंक्रीज किया जाता था। ये पुश कर देता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को और ऑसिकल्स को इनवर्ड, जिसकी वजह से इंट्रालिब्रेंथाइन प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और हमारे पास हेयरिंग जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अच्छा अब इसे चेक कैसे करते हैं कि वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को जब हम रखते हैं मास्टॉइड के ऊपर तो ये प्रेशर चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हेयरिंग के अंदर देखा जाता है कि क्या हो रहा है। तो गेडीज टेस्ट पॉजिटिव आएगा नॉर्मल लोगों में और सेंसरी न्यूरल में बिल्कुल रिनीज की तरह, और नेगेटिव आएगा जिनमें ऑस्टिकुलर चेन की फिक्सेशन हुई, यानी वही बात है कि ऑटोस्क्लेरोसिस के लिए देखा जाता है। आगे हम करेंगे प्योटोन ऑडियो। आगे हमारे पास स्पेशल टेस्ट ये सच इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वर्ड्स के लिए पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। इसमें सबसे पहले रिक्रूटमेंट बताया गया है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ अलेवनेस। इसमें क्या होता है कि जो ईयर जिसके अंदर लो इंटेंसिटी साउंड नहीं आ रही होती वो ग्रेटर इंटेंसिटी साउंड बहुत ज़्यादा सुनना शुरू हो जाता है जो कि नॉर्मल हेयर भी नहीं सुन सकता, ठीक है। मोस्टली ये नज़र आती है हमारे पास मीनियस डिसीज़ में और प्रेस्बाइक्यूसिस में, ठीक है, ये आपने याद रखना है। दूसरी चीज़ आती है सीसी टेस्ट। वैसे मैं इसे सीसी कहती हूँ लेकिन ये एसआई टेस्ट है जिसका मतलब है शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स, ठीक है। ये कॉकलियर लेजन्स को डिटेक्ट करता है और ये डिटेक्ट करता है कि इसके पेशेंट्स के अंदर डिस्टिंग्विश हो सकती है स्मॉलर चेंजेस इन द इंटेंसिटी ऑफ प्योर टोन नॉर्मल पेशेंट्स है या कंडक्टिव हियरिंग लॉस के पेशेंट्स में या रेट्रोकॉक्लियर लेजन्स के पेशेंट्स में। फिर आता है हमारे पास थ्रेशोल्ड टोन डीके। ये होता है कि नर्व कितनी जल्दी फटीक कर जाती है। नॉर्मली एक पर्सन 60 सेकेंड्स तक कोई भी बात सुन सकता है एक टोन, ठीक है, और ये डिटेक्ट करता है रेट्रोकॉक्लियर लेजन्स में। अगर कोई रेट्रोकॉक्लियर लेजन हुई हुई है तो इसका मतलब है कि उसका डीके टेस्ट में मोर देन 25 डेसिबल डायग्नोस्टिक आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आता है इवोक रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, ये मेजर करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ऑडियोमेट्री पाथवेज के थ्रू, ठीक है, कोई स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में। इसके अंदर आता है इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी। दूसरी चीज़ इसके अंदर आती है बैरा। नाउ बैरा इज थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको कहते हैं ब्रेन स्टेम वोक रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। इसी BAEP भी कहते हैं, यानी ब्रेन स्टेम ऑडियोमेट्री वोक रिस्पॉन्स और पोटेंशियल। और तीसरा इसका नाम है BAER या ABR, ठीक है, ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स। इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि ब्रेन स्टेम को इलिसिट किया जाता है और उसके रिस्पॉन्स देखे जाते हैं फॉर द ऑडिटरी स्टिमुलेशन बाय क्लिक्स और टोन बर्स्ट, ठीक है, और पाथवेज जो होते हैं वो एक नर्व से पॉन से और मिड ब्रेन से गुजर के आते हैं। हाँ बाकी ऐसा जिसमें कुछ नहीं है वो आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे तो पता चलता जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा हेयरिंग लॉस। आगे है हमारे पास अकॉस्टिक रिफ्लेक्सेस। इसके अंदर क्या होता है कि कहा जाता है कि जब एक लाउड साउंड होती है, ठीक है, 70-100 डेसिबल्स की अबव द थ्रेशोल्ड, ठीक है, थ्रेशोल्ड से ऊपर, तो स्टेपीडियल मसल्स बायलैटरली कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं और इसे हम टिम्पैनोमेट्री से डिटेक्ट कर सकते हैं।
अभी एक रिफ्लेक्स आर्क बनती है इस कॉन्ट्रैक्शन की. अगर हम देखें तो हमारे पास क्रेनियल नर्व 8 है, वहाँ से वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस में जाता है, वहाँ से क्रेनियल नर्व 7 में जाता है कि न्यूक्लियस में जाता है इप्सिलैटरल स्टेपीडियस मसल के लिए. कॉन्ट्रालैटरली देखा जाए तो 8 नर्व से वही वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस के पास जाता है और फिर कॉन्ट्रालैटरल मीडियल सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से यानी कि ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको इसलिए बताया हुआ है ताकि आपको रिफ्लेक्स आर्क पता चल जाए कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि पहले वाले इप्सिलैटरली हमारे पास मीडियल सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन कॉन्ट्रालैटरल के लिए हो जाता है. अच्छा, अब ये अकॉस्टिक रिफ्लेक्सेस काम किस लिए करते हैं? पहले तो ये कि यंग चिल्ड्रन और इन्फेंट्स वगैरह के लिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव मेथड होता है. दूसरी चीज़ ये कि मेलिग्नेस को फाइंड आउट करने के लिए कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा है फैक्ट्री में, वो कह रहा है कि इसकी फैक्ट्री में काम कर करके मेरे हेयरिंग लॉस हो गया है, तो उन लोगों को चेक करने के लिए कि वाकई हेयरिंग लॉस हुआ है या ये वैसे ही ड्रामे कर रहा है. क्योंकि ऑब्वियसली जब आपका काम के टाइम काम के वक्त कोई लॉस होता है हेल्थ का तो आपको पैसे मिलते हैं. ठीक है, फिर कॉकलिया की पैथोलॉजी चेक करने के लिए. ठीक है, रिक्रूटमेंट को ये इंडिकेट करते हैं अकॉस्टिक रिफ्लेक्सेस. फिर हमारे पास होता है डिटेक्ट करने के लिए कि कोई वेस्टिब्लो कॉकलियर नर्व के अंदर लीजन तो नहीं आ गई या फेशियल नर्व के अंदर लीजन तो नहीं आ गई या ब्रेन स्टेम के अंदर. अगली चीज़ हमारे पास आती है इम्पेडेंस ऑडियोमीट्री. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है. ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब एक टेस्ट होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव में इस तरह होता है कि पेशेंट खुद बताता है कि उसे आवाज़ आ रही है या नहीं. जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं उसमें पेशेंट खुद नहीं बताता. ठीक है, इसके अंदर ये ज़्यादातर चिल्ड्रन में आसानी होती है ऑब्जेक्टिव टेस्ट यूज़ करने की, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे सही जवाब नहीं दे रहे होते अक्सर. ठीक है, अच्छा, इसके अंदर दो तरह के टेस्ट आते हैं, एक टिम्पैनोमीट्री होता है और एक अकॉस्टिक रिफ्लेक्स मेजरमेंट्स होता है. ठीक है, टिम्पैनोमीट्री में क्या होता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ साउंड स्ट्राइक करती है, साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है. जितनी ज़्यादा स्टिफ होएगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उतनी ज़्यादा साउंड रिफ्लेक्ट होएगी. ठीक है, अच्छा, तो इसमें हमने स्टिफनेस एक तो हम टिम्पैनोऑसिकुलर सिस्टम की निकाल सकते हैं और दूसरी कंप्लायंस पीस की निकाल सकते हैं. ठीक है, अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि इक्विपमेंट जिसके अंदर एक प्रोब होता है उसे फिक्स कर देते हैं कैनाल के अंदर. ठीक है, और इसके तीन चैनल्स होते हैं, एक डिलीवर करता है 220 हर्ट्ज की टोन. ठीक है, दूसरा जो होता है वो माइक्रोफोन लगाया जाता है जो कि रिफ्लेक्शन को डिटेक्ट करता है, और तीसरा इसलिए होता है कि एयर प्रेशर जो ईयर कैनाल के अंदर हो वो नॉर्मल की तरफ रहे. ठीक है, यानी वो पॉजिटिव से नॉर्मल हो और नॉर्मल से फिर नेगेटिव हो, ये सारा कुछ प्रेशर चेंजेस देखने के लिए. जो ग्राफ बनता है इससे उसे कहते हैं टिम्पैनोग्राम. ठीक है, मोस्टली इट इज़ डायग्नोस्टिक फॉर द मिडल ईयर की डिजीजेस. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास पांच तरह के ग्राफ्स हैं. जो टाइप ए वाला है दिस इज़ नॉर्मल. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, -200 टू +200. उसके बाद आता है AS. AS जो होता है वो ऑटोसक्लेरोसिस के लिए होता है. ठीक है, आप A से A वाला ऑटो भी याद रख सकते हैं लेकिन ये O वाला ऑटो है. इसमें फिक्सेशन ऑफ ऑसिकल्स हुई होती हैं. ठीक है, उसकी हमारे पास कम हो जाती है जो कंप्लायंस होती है. फिर आता है AD. AD में हाई कंप्लायंस हो जाती है. क्यों? क्योंकि ऑसिकल्स वैसे ही टूट गई हुई हैं. ठीक है, या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बहुत लैक्स है तो वो दो पैरेलल लाइंस ही बन जाती हैं. फिर आता है हमारे पास टाइप बी. टाइप बी जो होता है वो ऐसे फ्लैट किस्म का या डोम शेप्ड ग्राफ होता है. वो इसलिए होएगा क्योंकि मिडिल ईयर के अंदर या तो कोई फ्लूइड भरा हुआ है या फिर हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बहुत थिक हो चुकी है. मोस्टली ओटाइटिस मीडिया के अंदर जो होता है वो इस तरह का होता है. उसके बाद आता है टाइप सी. टाइप सी में आपने देखा कि है तो ऑलमोस्ट एज उतना लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट आ गया उसके अंदर. ये क्या होता है कि मैक्सिमम कंप्लायंस तो है लेकिन नेगेटिव प्रेशर के साथ. ठीक है, ये देखा जाता है रिट्रैक्टिव टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में. ठीक है, जिसके अंदर कह लें एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में रिट्रैक्ट हो जाती है. ठीक है, तो उसके अंदर देखा जाता है. अच्छा, आगे है हमारे पास प्योर टोन ऑडियोमीट्री. इसके अंदर क्या होता है कि एक ऑडियोमीटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो उसके अंदर प्योर टोन आती हैं. ठीक है,
एयर कंडक्शन को मैयर करने के लिए हमारे पास 125 से लेके 8000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ली जाती है, और बोन कंडक्शन के लिए हमारे पास 250 से लेके 4000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ली जाती है, ठीक है। अब इसके ज़रिए हमें पता चलता है कि कितनी डिग्री ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट है और कौन सी फ्रीक्वेंसी पे आ रही है, ठीक है। इससे के लिए जो ग्राफ बनता है उसे हम कहते हैं ऑडियोग्राम, ठीक है। और बोन कंडक्शन वही एज जैसे मैंने पहले बताया कि कॉक्लियर फंक्शन को डिटरमिन करता है। अब अगर नॉर्मल पर्सन है तो उसके ऊपर 1 डेसिबल होएगा दोनों एयर और बोन कंडक्शन, और उधर कोई एयर बोन गैप नहीं होएगा, ठीक है। और इस ट्यूनिंग फोक्स पे आएगा कि एयर कंडक्शन इज़ बेटर देन बोन कंडक्शन, ठीक है। अगर दोनों कानों में हमारे पास डिफरेंस होएगा 40 डेसिबल्स का, ठीक है, तो बेटर ईयर को मास्क किया जाएगा ताकि कोई शैडो कर्व ना आ जाए, ठीक है। और मास्किंग इसलिए एसेंशियल होती है क्योंकि ख़राब स्टडीज़ भी आ सकती हैं। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या होता है? मोस्टली इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस है, कंडक्टिव या सेंसरी न्यूरल, बोन कंडक्शन ख़राब है या एयर कंडक्शन, या फिर डिग्री कि कितना स्वेयर है, माइल्ड या मॉडरेट है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें ये पता चल जाता है कि ऑब्वियसली एक डॉक्टर के पास से दूसरे डॉक्टर के पास जाना हो तो हमें फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आ जाता है। तीसरी चीज़ ये कि हमारे पास हेयरिंग एड के लिए काम आ जाता है, और चौथी चीज़ ये कि मेडिको लीगल पर्पजेज के लिए काम आता है। इसके अलावा हमारे पास एक स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड होता है, उसके लिए भी काम आ जाता है। अगली चीज़ है हमारे पास स्पीच ऑडियोमीट्री। स्पीच ऑडियोमीट्री में क्या होता है कि पर्सन की एबिलिटी कि वो सुन सकता है और कितना अंडरस्टैंड कर सकता है स्पीच को, वो देखा जाता है। ये हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है SRT जिसे हम कहते हैं स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड, और दूसरा होता है स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर, ठीक है। रिसेप्शन थ्रेशोल्ड में ये किया जाता है कि मिनिमम इंटेंसिटी के कितने 50% ऑफ वर्ड्स सुनाई देते हैं एक पेशेंट को, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपने एक रिकॉर्डेड टेप्स या यानी रिकॉर्डेड टेप्स ऑफ वॉइस सुनाई जाती है पेशेंट को, और उसके बाद देखा जाता है कि 50% ऑफ वर्ड्स रिपीट कर सकता है पेशेंट या नहीं। और इसमें 2 सिलेबल वर्ड्स यूज होते हैं जैसे कि बेस बॉल, और दोनों सिलेबल वर्ड्स इक्वल स्ट्रेस के होते हैं, जैसे कि बेस बॉल, सन लाइट, डे ड्रीम, इधर ये एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। तो अगर SRT बेटर है प्योरटोन एवरेज से बाय मोर देन 10 डेसिबल, तो इसका मतलब है कि फंक्शनल हेयरिंग लॉस है। अच्छा, उसके बाद आता है स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास स्पीच रिकग्नाइजेशन और वर्ड रिकग्नाइजेशन के लिए होता है, सिंगल सिलेबल वर्ड्स बोले जाते हैं, और फिर तकरीबन नॉर्मल बंदे का 90-100% आ जाता है। इसमें ये उसने पेशेंट ने देखना होता है कि कितने परसेंटेज वर्ड्स उसे सही सुनाई दे रहे हैं, ठीक है।